स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट कभी नहीं रखा हमने अच्छा। एक ढांचा होता था एक स्ट्रक्चर होता था शो का और वी यूज टू लेट इट फ्लो पर आपका शो जो बोगी बूगी था बहुत ऑथेंटिक था मैंने कभी नहीं देखा कि कोई यू you नो know, ऐसा लग रहा हो जैसे स्क्रिप्टेड है या मे बी इमोशंस को यूज किया जा रहा है शो के टीआरपी के लिए जो कि अब होता है अभी की जितने भी शोज़ हैं रियलिटी शोज़ हैं बिग बॉस yeah. हो या कोई भी रियलिटी शोज हो सिंगिंग डांसिंग सब जगह कहीं ना कहीं कही जजेस को अगर हम ऑब्जर्व करें तो वो एक पूरा एक एंगल बना देते हैं एक एक पूरा स्क्रिप्ट बना देते हैं यू yeah. नो you know, जो पार्टिसिपेंट होता है उसकी तरफ से एक स्टोरी प्रेजेंट करते हैं दैट यू नो ही कम ही कम्स फ्रॉम अ पुअर बैकग्राउंड और मे बी कोई स्टोरी होती है विच इज़ वेरी हार्ट रेंचिंग जिससे लोगों में यू you नो know, वो बढ़ सके इमोशन जाग सके तो ये सब एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ़ रह गया है। ऑथेंटिसिटी नहीं है आपके रियलिटी शोज में डू यू so yeah. हमारा जो शो था बहुत ही ऑर्गेनिक था स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट कभी नहीं रखा हमने yeah. एक ढांचा होता था yeah. एक स्ट्रक्चर होता था शो का yeah. और वी यूज टू लेट इट फ्लो यार तूने वो दिन वो जोक मारा था आज ये मार लेते हैं तू ये बोल मैं ये बोल देता हूँ जावेद तू ये बोल मैं ये बोल देता हूं ऑफ ह्यूमर like hmm. तो जैसे हम ऑफ स्क्रीन थे वैसे हम ऑन स्क्रीन थे और बचपन के दोस्त तो हम एक दूसरे को जानते हैं hmm. वाकिफ थे एक दूसरे के ह्यूमर से सो दैट वॉज वन इंपॉर्टेंट थिंग एंड सेकेंडली हाउ कैन

अलग अलग कैटेगरीज करते थे क्लासिकल फोक ओके देन रीजनल भंगड़ा स्पेशल किया लावनी स्पेशल किया आपका गरबा स्पेशल यू नो ऑल टाइप्स वी टू डू फिर एक एपिसोड होता था क्लासिकल डांसिंग लावनी स्पेशल हमने किया था उसमें जयश्री गढ़कर जी को बुलाया था हमने और दैट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट टी आर पी वी गॉट इन यू नो मुझे ये लगता है कि अब क्या हो गया है जो बुरी बात नहीं है बट देर अ लॉर्ड ऑफ वेस्टर्न डांसिंग विच इज नॉट बैड बट एट द सेम टाइम आई फील यू नो वी आर लूजिंग दैट फ्लेवर ऑफ कोई आके निमुड़ा पे डांस कर, कर जाए कोई आके तुनक तुनक पे यू नो स्टाइल में कर ले थोड़ी फिल्मी डांसिंग कर ले कोई आके क्लासिकल पिया तुर से नैना लागे रे कर दे तो हम अपनी एपिसोड में सारे कैटेगरीज ओपन रखते थे तो वो फ्लेवर मिलता था आई जील वी शुड नॉट लूज आवर मैजिक दैर इज इंडिया क्योंकि India. इतने स्टाइल्स हैं इतने ब्यूटिफुल कॉस्ट्यूम्स हैं यू नो और अलग अलग जगह से ऑल ओवर इंडिया इट्स टू ब्यूटिफुल टू निग्लेक्ट वो मुझे लगता है थोड़ा सा आजकल कम हो गया है जो नहीं होना चाहिए होना चाहिए <laughs>